नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निधि और पॉजिटिव आशा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, लॉकडाउन का समय है, सब्जियां और बाकी के खाने पीने का सामान बहुत लिमिटेड मिल रहा है, लेकिन हमारा मन है कि अलग अलग तरह की चीज़ें खाने का करता रहता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिहार का मशहूर लिट्टी चोखा, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट है और बनाने में बहुत आसान है। तो चलिए इसे देखते हैं कि बनाते कैसे हैं मेरे साथ, मेरे स्टाइल में। आज हम तीन तरीके से लिट्टी बनाना सीखेंगे। आपको जिस तरह से भी पसंद हो आप बना सकते हैं। लिट्टी चोखा बनाने के लिए हमें चाहिए सत्तू का आटा, सरसों का तेल, नमक, हरे धनिए के पत्ते, कटी हुई हरी मिर्च, कुटी हुई अदरक, कटी हुई लहसुन, नींबू, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, आम का अचार मसाले के साथ, कलौंजी या मंगरेल। यहाँ पर मैंने सत्तू का आटा मार्केट से ही ख़रीदा है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। ये बड़ी आसानी से मिल जाता है और पैकेट पे लिखा रहेगा रोस्टेड बंगाल ग्राम फ्लोर। इसके बाद मैंने यहाँ होल व्हीट आटा लिया है। और चोखा बनाने के लिए हमें चाहिए टमाटर, एक बैंगन और दो आलू। हरी चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए धनिया के पत्ते, चटनी दाल, थोड़ी सी दही, नींबू, थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्च और एक आंवला मैंने यहाँ लिया है, ताज़ा आंवला, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और ये रहा मेरा मेजरमेंट कप, जिससे मैंने सभी सामग्रियाँ मापी हैं। अब बैगन के बीच से मैं एक चीरा लगा दूंगी, ताकि मैं ये देख सकूं कि ये अंदर से ख़राब तो नहीं। जी नहीं, ये बिल्कुल बढ़िया है। अब इसके बाद बैंगन और टमाटर को हम भूनेंगे। असल में ये जो डिश बनाई जाती है लिट्टी चोखा को, कंडे या गोएठे के अंगीठी पर इसे हम सेकते और भूनते हैं, लेकिन अंगीठी हर जगह तो उपलब्ध नहीं होती, जैसे मेरे पास भी नहीं है। तो आज हम इसे करेंगे गैस पर एक जाली रखकर, उस पर हम बैंगन को और टमाटर को भूनेंगे। देखिए, मैंने इस पर ऐसे रख दिया और हम इसे धीरे धीरे भूनेंगे। अगर आपके पास जाली नहीं है तो हम इसे कुकर में भी बना सकते हैं। जिस तरह आप आलू उबालते हैं ना, ठीक उसी तरह कुकर में बैंगन, टमाटर और आलू को इकट्ठे रखकर इसमें एक कप जितना पानी डालना है और इसे सेट करके दो सीटी तक पकाना है। इसके बाद जब ये ठंडा हो जाए, तो जैसे आलू के छिलके निकालते हैं, ठीक उसी तरह बैंगन और टमाटर के छिलके निकाल कर इसे मैश करके तैयार कर लेंगे। इस ये ठीक उसी तरह तैयार होगा जैसे हम आग पर सेक कर तैयार कर रहे हैं। इसके बाद हम आटा तैयार करेंगे। आटा तैयार करने के लिए मैंने इसमें 2 चम्मच तेल डाला और इसे अच्छी तरह से मिलाकर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका डो तैयार करना है। अच्छा, ये डो जो है वो जैसा हम आटा या चपाती के लिए तैयार करते हैं ना, उससे थोड़ा सा टाइट रहेगा, थोड़ा सा हार्ड रहेगा, बिल्कुल इस तरह से। ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। इधर ये देखिए, हमारी कुकर की सीटी भी बज रही है और जाली पर हमारे बैंगन और टमाटर बड़े मज़े से पक रहे हैं, भुन रहे हैं। बीच बीच में हम इसे पलट लेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से भून जाए। सत्तू का मसाला बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच मंगरेल, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच से कम हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कटी हुई लहसुन, 1 चम्मच कुटी हुई अदरक, 1 चम्मच हरी मिर्च और थोड़े से हरे धनिए के पत्ते कटे हुए। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक। मैं यहाँ 2 चम्मच नमक ले रही हूँ, आप स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, आपको जितना पसंद हो। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा आम का अचार मसाले के साथ और 1/2 नींबू का रस।
एक चम्मच सरसों का तेल और इसे अच्छी तरह से हमें मिलाना है। ये थोड़ा सा सूखा लग रहा है इसलिए मैं इसमें 3 से 4 चम्मच पानी मिक्स करूँगी और हाथों से ही इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी, क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ है ना। इसके बाद ये अब मिश्रण बिल्कुल रेडी है। ये देखिए हमारा बैंगन बिल्कुल अच्छी तरह से भुन गया है। इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया और कुकर में सब्जियां भी बॉईल हो गई हैं। मैं आपको यहाँ बता दूँ, मेरे पास एक ही बैंगन था इसलिए मैंने उसे गैस पर सेंक लिया और अलग से 2 टमाटर और आलू को मैंने कुकर में बॉईल कर लिया। बाकी के टमाटर भी देखिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं, इन्हें भी मैं प्लेट में निकाल लूँगी और ठंडा होने के लिए 5 से 7 मिनट तक के लिए रख दूँगी, क्योंकि ये अभी बहुत गर्म है। इसके बाद अब हम लिट्टी भरेंगे। ये देखिए आटा भी तैयार है अच्छी तरह से। अब मैं आटे की 1 बराबर साइज़ की लोइयां काटकर रख लूँगी ताकि हमारी सारी लिट्टियां 1 साइज़ की हों। अब इन सारी लोइयों को मैं बराबर हाथ से पेड़े बना लूँगी। अब एक एक करके हम इसमें सत्तू की फिलिंग को भरेंगे। कुछ खास नहीं करना है इसमें, जैसे हम पराठा भरते हैं ठीक उसी तरह से हमें हाथों से दबा दबा कर गोल गोल घुमाते हुए हमें इसको फिल करना है और जो लास्ट में आटा एक्स्ट्रा बचता है उसे निकाल लेना है और इसे बिल्कुल दबा के हल्के हाथों से बॉल की तरह रेडी कर लेना है। ये देखिए हमारा पहला बॉल रेडी हो गया और ठीक इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम सारी लिट्टियाँ भर लेंगे। बिल्कुल आसान है, ये देखिए ऐसे हल्के हाथों से अंदर की फिलिंग को दबाते हुए और एक्स्ट्रा आटा बाहर निकाल लेना है काट कर, और ये रही हमारी बॉल तैयार हो गई, है ना इजी। अब इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें सभी लिट्टियों को भर लेना है और अब हम इसे सबसे पहले अवन में बेक करेंगे। इसके लिए मैंने अवन को पहले से ही 180 डिग्री पर प्री हीट कर लिया है और मैंने लिट्टियों को अवन के अंदर रख दिया और 180 डिग्री पर ही 15 मिनट तक के लिए हम इसे बेक करेंगे। ये देखिए हमारी लिट्टियाँ कितने मज़े से बेक हो रही हैं और अब हम इसे जाली पर भी पकाएंगे। जैसे हमने बैंगन और टमाटर पकाया ना, ठीक उसी जाली पर उसी तरीके से लो फ्लेम पर हम इसे धीमे धीमे पकाएंगे। अवन में हमने जो लिट्टियाँ रखी हैं उसे बीच बीच में पलट देंगे ताकि हमारी लिट्टी जो है वो चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। और ये क्रैक्स आपको बता रहे हैं कि हमारी लिट्टी बहुत अच्छे से बेक हो रही है। इसके बाद हम तैयारी करते हैं चोखा की। अब चोखा बनाने के लिए मैंने बैंगन टमाटर आलू के छिलके अच्छी तरह से उतार कर साफ़ कर लिए हैं और इसे एक बोल में रखकर हम इसे मैशर की सहायता से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए ये जो पाव भाजी वाली मैशर है ना, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो फोक से या चम्मच से ही इसे मैश कर सकते हैं। ये रेडी हो गया है। इसमें यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 चम्मच कुटी हुई अदरक, 1/2 चम्मच कटी हुई लहसुन, थोड़े से हरे धनिए के पत्ते और 1/2 चम्मच सरसों का तेल। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेना है और ये देखिए हमारा चोखा बिल्कुल तैयार है। लग रहा है ना टेस्टी। अब अलग से मैंने जो 2 टमाटर बॉईल किए थे उसे साफ़ करके मैंने मैश कर लिया और इसमें मैंने 1/2 चम्मच कटी हुई लहसुन, 1/2 चम्मच हरी मिर्च और थोड़ी से धनिए के पत्ते, नमक स्वाद के अनुसार और 1/2 चम्मच से भी कम इसमें मैंने तेल ऐड किया, सरसों का तेल, और इसे अच्छी तरह से मिला लिया। और ये हमारा सिर्फ टमाटर का चोखा तैयार हो गया। इसका भी अपना एक अलग ही स्वाद है, बहुत यम्मी लगता है। हरी चटनी बनाने के लिए मैंने जार में ही हरा धनिया का पत्ता, मिर्च, थोड़ी सी अदरक, आंवला, चटनी दाल, थोड़ी सी नमक,
दो चम्मच जितनी नमक और दो चम्मच जितनी ही दही मैंने डाल दी और अब हम ब्लेंडर को बंद करके इसे चला लेंगे। ये देखिए हमारी चटनी कैसे रेडी हो रही है। ये देखिए इसका कलर देखिए कितना बढ़िया कलर है। और इसमें मैं एक चम्मच नींबू का रस और आधा चम्मच सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और ये देखिए हमारी हरी चटनी बिल्कुल रेडी है आंवले के साथ। है ना यम्मी? अब ये देखिए हमने जो लिट्टी बनाई है हम उसे डीप फ्राई करके भी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली, उसे गैस पर रखा, गैस को ऑन कर दिया और उसमें हम तेल डालेंगे लिट्टियों को फ्राई करने के लिए। ये देखिए तेल थोड़ा गर्म हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है और हाथों से दबाकर मैंने उसमें लिट्टियाँ डाल दी। एक एक करके डालेंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हम धीरे धीरे पकाएंगे। हमें आँच या फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम ही रखनी है। अगर ज़्यादा तेज आँच करेंगे तो हमारी लिट्टी ऊपर से तो पक जाएगी पर अंदर से कच्ची रह जाएगी। ऐसे पलट पलट कर हमें इसे पकाना है। अब इधर देखिए हमने जो जाली पर लिट्टियाँ रखी थी सेंकने के लिए ना, वो देखिए वो भी तैयार हो गई हैं और बिल्कुल वही कलर और टेक्सचर आया है जो कि अंगीठी पर गाँव में बनाई जाती है। बिल्कुल बढ़िया क्रैक्स आए हैं। देखिए लिट्टी अच्छे से पक के तैयार हो गई है और इधर देखिए ये जो हमारी डीप फ्राई वाली लिट्टी है वो भी लगभग पक गई है, लेकिन मैं उसे थोड़ा सा और ब्राउन सा कलर दूंगी। ये देखिए ये परफेक्ट कलर है, इसमें बढ़िया क्रैक आया है, इसका मतलब लिट्टी अच्छी तरह से सिक गई है और अब मैं इसे किचन टॉल पर निकाल लूँगी। इसके बाद मैंने एक सूती कपड़ा लिया और उसमें जो जाली वाली लिट्टियाँ हमने सेकी थी ना उनको रखकर दोनों सिरे से पकड़कर ऐसे जोर जोर से हिला लेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी एक्स्ट्रा डस्ट है वो निकल जाएगा और लिट्टियाँ हमारी बहुत नरम हो जाएगी। मैं ऐसा आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ क्योंकि गांव में जो अंगीठी पर लिट्टियाँ सेकते हैं उसमें ये ही प्रोसेस फॉलो करते हैं और ये करके दिखाते हुए मुझे आज अपने गाँव की बहुत याद आ रही है। और ये देखिए बिल्कुल गांव वाली अंगीठी की लिट्टी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और ये देखिए ये हमारी डीप फ्राई की हुई लिट्टी पहली रो में, दूसरी रो में हमने रखी जो हमने आग पर जाली पर सेक कर बनाई है, बहुत ही अच्छी लग रही है ना। और ये तीसरे तरह से बनाई हुई लिट्टी जो हमने अवन में बेक करके बनाई है, इनका भी कलर बहुत अच्छा आया है, बहुत बेहतरीन लग रही हैं लिट्टियाँ। अब इसके बाद हम इसका स्वाद बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसे घी में डिप करेंगे, अच्छी तरह से घुमा घुमा कर डिप करेंगे। अगर आप घी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी इनका स्वाद बहुत बेहतरीन आता है। अब आती है प्लेटिंग की बारी। सबसे पहले बैंगन टमाटर और आलू का चोखा, टमाटर का चोखा, हरी चटनी जिसे हमने हरे धनिए के पत्ते और आंवले के साथ बनाया है, सबसे पहले आग वाली लिट्टी जिसे हमने जाली पे सेक कर बनाया, उसके बाद माइक्रोवेव वाली लिट्टी और तीसरी रो में है डीप फ्राई की हुई लिट्टी। इसके साथ आम का अचार, हरी मिर्च और कटे हुए प्याज। तो हमारी थाली रेडी है, बिहार का मशहूर लिट्टी चोखा तैयार है खाने के लिए और खिलाने के लिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप एक बार इसे अपने किचन में ज़रूर ट्राई करें, बहुत स्वादिष्ट लगती है, बहुत यमी लगती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सामग्रियों की लिस्ट जो है वो मेजरमेंट के साथ डाल दी है ताकि आपको सुविधा हो। बाय।